हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद शिप्रा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और ये बहुत ही हेल्दी भी होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं और बच्चों का तो ये फेवरेट होता है। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स, फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। मैंने यहाँ पर आधा लीटर दूध लिया है, 2 टेबल स्पून दूध मैंने अलग से लिया है। इसमें हम अपना कस्टर्ड पाउडर मिक्स करेंगे और ये मैंने रूम टेम्परेचर पर लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर लिया है। 4 से 5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर चीनी ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर कुछ फ्रूट्स लिए हैं, लगभग आधा सेब लिया है जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। एक केला लिया है, इसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। ये कुछ अनार के दाने लिए हैं और ये हरे अंगूर लिए हैं, इनको मैंने छोटा छोटा काट कर रखा हुआ है। फ्रूट्स आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी। इसके लिए हम पहले दूध को उबाल लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर दूध को उबलने के लिए रख दिया है और दूध में एक उबाल आने देते हैं। जब तक हमारे दूध में एक उबाल आता है, तब तक हम कस्टर्ड पाउडर को दूध में मिक्स कर लेते हैं, जिसमें हम अपना कस्टर्ड पाउडर मिक्स करेंगे और इसको हम कस्टर्ड पाउडर में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है, हमारे कस्टर्ड में एक भी लम्प्स नहीं रहना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कस्टर्ड में दूध को मिक्स कर लिया है। ये देखिए हमारा दूध और कस्टर्ड का मिक्सचर एकदम रेडी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे दूध में एक उबाल आ गया है। अब हम हीट को लो कर देते हैं, फिर हम चीनी ऐड कर देते हैं। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं और इसको लगातार चलाते रहें। चीनी दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें कस्टर्ड और दूध का मिक्सचर ऐड करेंगे। इसको हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और लगातार चलाते रहना है। इसको चलाना बहुत ज़रूरी है और अगर हम इसको चलाएंगे नहीं तो जो कस्टर्ड है वो हमारी कढ़ाई में चिपक जाएगा। इसको हमें लो फ्लेम पर लगभग 3 से 4 मिनट तक पकाना है। इसको हमें लगातार चलाते रहना है। कस्टर्ड को पकते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं, हमारा कस्टर्ड एकदम गाढ़ा हो गया है। अब हम हीट को बंद कर देते हैं। इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर पर ही ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इसको हमें एकदम ठंडा करना है। जब हमारा कस्टर्ड ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें फ्रूट्स मिक्स करेंगे। कस्टर्ड अब एकदम ठंडा हो गया है, अब हम इसमें अपने फ्रूट्स मिक्स कर लेते हैं। मैं यहाँ पर सेब मिक्स कर रही हूँ। कस्टर्ड के लिए फ्रूट्स आप तभी काटें जब आपको कस्टर्ड बनाना हो। इसके लिए फ्रूट्स को पहले बिल्कुल भी काट कर ना रखें, नहीं तो जो फ्रूट्स हैं वो काले पड़ जाते हैं। यहाँ पे मैं केला ऐड कर रही हूँ। अंगूर ऐड कर रही हूँ और कुछ अनार के दाने ऐड कर रही हूँ। थोड़े से अनार के दाने मैंने यहाँ पे बचा लिए हैं, इनको मैं ऊपर से डालूँगी और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा फ्रूट कस्टर्ड एकदम रेडी है। अब हम इसको एक बाउल में पलट लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्रूट कस्टर्ड बनकर एकदम रेडी है। आप इसको 2 घंटे फ्रिज में रखकर सर्व कीजिए। ठंडा ठंडा फ्रूट कस्टर्ड खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।